पिछले क्लास में 12 खड़ी लिखना सीख लिया था। तो अभी हम सीखेंगे दो अक्षरों वाले शब्द और तीन अक्षरों वाले शब्द। उससे हमें शब्द की रचना सीख सकते हैं, यानी कि अक्षरों को जोड़कर हम शब्द को पढ़ना सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अक्षर रोम को जोड़कर लिखिए। अक्षरों को जोड़कर लिखिए। अभी यहाँ पे मैं अभी फिलहाल दो अक्षर वाले शब्द लिखती हूँ। ठीक है, क, क्या है, क, क, ल, इसे हम कल करके कहते हैं। कल, कल यानी कि क्या है, टुमारो। कल यानी क्या है, टुमारो। दूसरा शब्द है ह, अधिक म, हम, हम यानी वी। ओके, छ अधिक त, छत, छत, छत यानी क्या है, रूफ। ठीक है, चौथा अक्षर है स अधिक च, सच, सच यानी क्या है, ट्रुथ, टी आर यू टी एच, ट्रुथ। ओके, नाउ फिफ्थ वन, फिफ्थ वन क्या है, मन, मन मतलब क्या है, हार्ट। छठा अक्षर है स, स अधिक ब, सब, सब यानी क्या है, सब यानी ऑल। हम सब मिलकर खेलेंगे। ठीक है, सर, तब, 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 तब यानी के देन। ओके, अभी आठवां अक्षर है अब, अ अधिक ब, अब यानी, अब यानी नाउ। ठीक है, अभी नौवां अक्षर है कब, कब यानी कि क्या है, कब, कब यानी कि व्हेन। ठीक है, अभी दसवां अक्षर है तट, तट यानी कोस्ट। ठीक है, ये हो गए दो अक्षरों वाले शब्द। इसको आपको जोड़कर लिखना है, क अधिक ल, कल, कल यानी कि टुमारो। ठीक है, अभी ह अधिक म, हम, हम यानी कि वी। ओके, छत, छ अधिक त, छत, छत यानी कि रूफ, घर के जो ऊपर रहता है ना, छत वो। ठीक है, उसके बाद स अधिक च, सच, सच यानी कि ट्रुथ, ऑलवेज यू हैव टू स्पीक ट्रुथ।
ओके नेक्स्ट जो है म अधिक न मन, मन यानी कि हार। स अधिक ब सब, सब यानी कि हम सब ऑल, ठीक है। त अधिक ब तब, तब यानी कि देन। अ अधिक ब अब यानी कि अभी नाउ। क अधिक ब कब, कब यानी व्हेन, ओके। त अधिक ट तट, तट यानी कि कोस्टल, ओके ठीक है। अभी ये हो गया इतना दो अक्षरों वाले शब्द हो गए। अभी हम लिखेंगे तीन अक्षरों वाले शब्द। तीन अक्षरों वाले शब्द हमें लिखना है ऐसे ही, यानी कि यहाँ पे क अधिक ल अधिक और एक अक्षर आता है, उसको मिलाकर हम तीन अक्षर कह के एक शब्द बनाते हैं। वो अक्षर कौन से है, वो शब्द कौन से है, अभी हम देखेंगे। अभी तीन अक्षरों वाले शब्द लिखेंगे। पहला अक्षर है ब अधिक ट अधिक ख, क्या है ये ब ट ख। बत्तख यानी क्या है, बत्तख यानी डक। पवन यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पवन, पवन का झोंका, पवन का झोंका यानी पवन यानी क्या है, एयर, ठीक है पवन। म अधिक ग अधिक र मगर, मगर, मगर यानी क्रोको डाइल, ठीक है मगर यानी क्रोकोडाइल, ठीक है। मगर होने के बाद क्या है, ए आई अधिक न अधिक क आई नक, ऐनक, ऐनक यानी कि स्पेक्ट, ठीक है ऐनक हो गया। अभी है और कौन से आते हैं अक्षर, हमने अक्षरमाला में पीड़ा पड़ा है, और अधिक र अधिक ल क्या है, औरत, औरत यानी कौन है, उमन, उमन, ठीक है। इसके बाद कौन सा अक्षर आता है, अ अधिक श अधिक र, क्या है पूरा मिलाकर अक्षर, अक्षर यानी कि क्या है, अक्षर यानी कि अक्षर, अक्षर यानी कि वर्ड, और यू कैन से अल्फाबेट। ठीक है इसके बाद है न अधिक म अधिक क, न न क, नमक क्या है, बिना खाने बिना नमक के खाना खाते हैं आप, नहीं, नमक क्या है, सॉल्ट है, इंग्लिश वी कॉल सॉल्ट, बिना नमक के खाना स्वादिष्ट नहीं होता है, ठीक है। अभी जो है म हल आ ल स, आ अधिक ल अधिक स, आ ल स, आलस यानी क्या है, आलस यानी लेजी, हाउ मेनी ऑफ यू लेजी, एल ए जेड वाई, ठीक है लेजी।
इसके बाद क्या है, अम आदि गु आदि र, अंगूर अंगूर, अंगूर यानी क्या है ग्रेप्स, ठीक है। अभी दो स्वाक्षर है ज आदि ह आदि ज जहाज, जहाज जहाज यानी क्या है, जहाज यानी कि शेप, ठीक है। ये हो गए दो अक्षरों वाले शब्द और तीन अक्षरों वाले शब्द। अभी आपको क्या करना है, अभी इसको एक एक बार लिखकर निकालना है, एक बार अपने होमवर्क बुक में लिखना है और यही ठीक से देखकर अपने क्लासवर्क में भी एक बार लिखना है। दो अक्षरों वाले शब्द और तीन अक्षरों वाले शब्द आपको लिखना है। देखिए लिखते वक्त स्पेलिंग एरर नहीं आने चाहिए, मात्राएं सही लगनी चाहिए और अक्षर को भी सही लिखना है, ठीक है। अगले क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।